गैसियस एक्सचेंज के टॉपिक को हम पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक आज हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन बर्ड्स को, बर्ड्स के अंदर या परिंदों के अंदर किस किस्म की रेस्पिरेशन होती है, आज हम इसको देखेंगे। बर्ड्स हम किन को कहते हैं? बर्ड्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो उड़ते हैं, जिनके पर होते हैं और वो हवा में मूव करते हैं पर, जिसकी वजह से वो उड़ते हैं। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो किस तरह से है डिफरेंट बाकी ऑर्गेनिज्म से, इसको आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। बर्ड्स की जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि बर्ड्स कॉन्स्टेंटली अपने विंग्स को मूव करते हैं, हिलाते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ते हैं। तो इनकी जो बर्ड्स की मूवमेंट है, इसके लिए इनको ढेर सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बर्ड जो हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं और इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है या नीड फॉर एनर्जी जो है वो बाकी ऑर्गेनिज्म से कहीं ज़्यादा होती है। इसी तरह जब हम बर्ड्स के बाकी ऑर्गेनिज्म्स के इस पूरे बॉडी के प्रोसेसेस को देखते हैं, तो हम ये जानते हैं कि बर्ड्स का जो मेटाबॉलिक रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई मेटाबॉलिक रेट। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बर्ड्स का जो सिस्टम है, पूरा का पूरा बॉडी का सिस्टम, वो बहुत ही एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट होता है और बहुत ही इलैबोरेट होता है। वो किस तरह से होता है बर्ड्स का पूरा सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको आज हम देखेंगे, उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्ड्स किस तरह से मुख्तलिफ हैं बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि हम जानते हैं कि बर्ड्स हायर लैंड ऑर्गेनिज्म है, लैंड के ऊपर पाया जाता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर आता है, तो इसलिए बर्ड्स के अंदर जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं जो कि रेस्पिरेशन में इनकी हेल्प करते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर की तरह बर्ड्स के अंदर भी हम जानते हैं कि लंग्स पाए जाते हैं। लंग्स के साथ साथ रेस्पिरेशन में हेल्प करने के लिए बर्ड्स के अंदर ट्रैकिया और एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनके अंदर डिफरेंस ये होता है कि जैसे हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं, और फ्रॉग के अंदर भी हमने एल्वियोलाई का जिक्र किया था, लेकिन बर्ड्स के अंदर एल्वियोलाई की जगह हमारे पास एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पैराब्रोंकाई। और ये पैराब्रोंकाई है क्या? बेसिकली ये एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है, इस तरह से आप इसको देख लीजिए, इस तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से एयर पास करती है। ब्लू कलर से यहां पे आप देख सकते हैं कि ये है एयर का फ्लो। अब ये जो पैराब्रोंकाई है, ये बेसिकली है क्या? ये मैंने कहा कि ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर हमारे पास कैपिलरीज होती हैं। यहां पे रेड कलर से आपको जो मैं शो कर रही हूं, ये इसके ऊपर कैपिलरीज हैं। ये रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड कैपिलरी से, इसके ऊपर से ब्लड कैपिलरीज गुजर रही होती हैं। और होता यह है कि जब एयर इसके अंदर से पास करती है तो ये इसके अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो उस एयर के साथ मिक्स होकर उसके अंदर से ऑक्सीजन को ग्रैब कर लेता है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये मूव कर रहा है, जब ब्लड का फ्लो हम देखेंगे तो ब्लड का फ्लो ऑपोजिट होगा। और ये ऑपोजिट फ्लो क्यों होता है? ऑपोजिट फ्लो होने का जो फ़ायदा है बेसिकली वो ये होता है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर पॉसिबल होती है, यानी कि एयर या एयर के अंदर से जो ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो सकती है अगर इनका फ्लो ऑपोजिट हो। इसके अलावा हमने एयर सैक्स की बात की, तो ये एयर सैक्स बेसिकली क्या चीज़ें हैं? सैक, जैसे कि आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा है, ये कुछ थैली नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से, और ये बर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली बर्ड की जो पूरी बॉडी है उसके अंदर ये सैक्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी टोटल जो इनका जो टोटल काउंट है वो हम कहते हैं कि 9 सैक्स जो हैं वो ओवरऑल बर्ड की बॉडी के अंदर होते हैं। सॉरी, सैक्स, SACS, सैक्स, 9 सैक्स जो हैं वो पूरे ब्लड के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं बर्ड के। और ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि बर्ड के तमाम जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं, इवन उसकी बोन्स तक ये एयर सैक्स पहुंच जाते हैं। और जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म है, होता यह है कि बर्ड के अंदर जब एयर आती है अपने माउथ से, जब वो इनहेल करता है तो यही एयर सैक्स जो हैं ये फिल हो जाते हैं उस एयर से। मेरे पास एक बहुत अच्छी एनिमेशन है जिसको देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि बर्ड्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से चलता है। तो हम उस एनिमेशन को देख लेते हैं और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी कि उसके अंदर हो क्या रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बर्ड का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो दिखाया गया है। अगर इस एनिमेशन को हम देखें तो इस एनिमेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको एयर सैक्स दिखाई दे रहे हैं, लंग्स दिखाई दे रहे हैं। हमने कहा था कि लंग्स का फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज का,
और एयर सैक्स क्या करते हैं कि वो एयर को अपने अंदर लेके आते हैं. बर्ड्स के अंदर जो एयर का फ्लो है बेसिकली हम उसको कहते हैं कि वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है. यहाँ पे अगर आप एयर का पाथवे देखें तो पहले क्या हुआ कि वो एयर सैक्स में आई एयर, उसके बाद लंग्स में, और फिर उसके बाद दोबारा एयर सैक्स में, और फिर उसके बाद वो अपने ट्रैकिया का जो ट्रैक है उसका, उसके थ्रू बाहर आ गई. इसको अगर हम डिटेल में देखें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एयर सैक्स को डिवाइड कर दें. एक होते हमारे पास पोस्टीरियर एयर सैक्स और दूसरे एंटीरियर एयर सैक्स. पहला जो इनहेलेशन का प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है कि एयर जो है वो ट्रैकिया के थ्रू आती है और वो पोस्टीरियर एयर सैक्स के अंदर आ जाती है, जो एनवायरनमेंट की एयर है. मीनवाइल लंग्स की एयर एंटीरियर एयर सैक्स के अंदर आ जाती है. इसे हम कहते हैं ब्रेथ वन या इनहेलेशन. एक्सहेलेशन में क्या होता है कि एंटीरियर एयर सैक्स की एयर बाहर और पोस्टीरियर एयर सैक्स की जो एयर है वो लंग्स के अंदर आ जाती है. ये हमारे पास पहला ब्रेथ या एक सांस जो है वो बर्ड का कंप्लीट हुआ है. इसके बाद बर्ड जो अपना दूसरा सांस लेती है तो क्या होगा कि जो लंग्स के अंदर एयर है वो इंटीरियर एयर सैक्स और उसके बाद वो इस तरह से ट्रैकिया के थ्रू बाहर चली जाएगी, जबकि जो न्यू एयर है जो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर से दिखाई दे रही थी इस होल रेस्पिरेटरी ट्रैक को कवर कर लेगी. तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये पूरा प्रोसेस था, पूरी एक एनिमेशन के थ्रू आपने देख लिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बर्ड का किस तरह से काम करता है. इसको अगर हम स्टेप्स में लिखना चाहें तो हमने क्या क्या देखा अपनी एनिमेशन में. पहली चीज़ हमने देखी इनहेलेशन. ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर सांस जो है या एयर जो है वो बॉडी के अंदर आती है. और इनहेलेशन के प्रोसेस के अंदर हमने क्या देखा कि एयर सैक्स जो है वो एक्सपैंड हुए. इसके अलावा हमने ये देखा था कि एयर जो है एनवायरनमेंट से वो पोस्टीरियर एयर सैक्स में आई थी. सैक्स और लंग्स के अंदर ऑलरेडी एयर प्रेजेंट थी, वो वाली एयर लंग्स की जो थी एयर वो इंटीरियर एयर सैक्स में आ गई. ठीक है, ये हमने प्रोसेस देखा इनहेलेशन में. उसके बाद जब हमारे पास एक्सहेलेशन का प्रोसेस है, एक्सहेलेशन क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एयर जो है वो बॉडी से बाहर जाती है. ठीक है, और इस प्रोसेस के अंदर हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एयर सैक्स जो है वो कंप्रेस होते हैं इसमें. और वो कंप्रेस किस तरह से हुए थे, कंप्रेस इस तरह से हुए थे कि जो पोस्टीरियर एयर सैक्स थे वहां से एयर जो है वो लंग्स में आ गई थी, एयर लंग्स में आ गई थी, और इंटीरियर एयर सैक्स जो है सैक्स यहाँ से जो एयर थी वो बाहर चली गई थी थ्रू ट्रैकिया. ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये टू स्टेप प्रोसेस था और इसके थ्रू बर्ड ने किस तरह से अपना सांस मुकम्मल किया और उसके अंदर गैशियस एक्सचेंज किस तरह से हुआ. एक दफ़ा हम इसको समराइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा. हमने देखा था कि बर्ड के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होती है. पहले तो हमने ये बात डिस्कस की कि बर्ड के अंदर रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों होती है. वैसे तो हर ऑर्गेनिज्म को रेस्पायर करने की ज़रूरत होती है, बट बर्ड्स के अंदर एक बेहतर और एफिशिएंट सिस्टम की ज़रूरत होती है. वो इसलिए क्योंकि बर्ड्स को एनर्जी जो है वो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा चाहिए होती है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बर्ड्स को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं. एक, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रकिया और एयर सैक्स होती हैं. इसके अलावा पैराब्रोंकाई एक स्ट्रक्चर है जो कि बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होता है और जो गैशियस एक्सचेंज के अंदर हेल्पफुल होता है. इसके बाद हमने जब एयर सैक्स की बात की तो हमने डिस्कस किया कि बर्ड्स के अंदर टोटल मोस्टली जो ज़्यादातर बर्ड्स हैं उनके अंदर 9 एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं और ये 9 एयर सैक्स उसके पूरे बॉडी को कवर कर रहे होते हैं. फिर उसके बाद हमने एक एनिमेशन देखी जिसके अंदर हमने ये देखा कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस बर्ड में किस तरह से होता है और उसके अंदर से फिर हमने दो चीज़ें निकाली. एक हमने देखा एक्सहेलेशन और एक हमने देखा इनहेलेशन. इन दो प्रोसेसेस को फिर हमने उसके स्टेप्स में ब्रेक कर दिया कि इन दोनों प्रोसेस में बेसिकली हो क्या रहा होता है. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रेस्पिरेशन इन बर्ड्स. इसके बाद हम ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन को, इनके ब्रीथिंग के दोनों प्रोसेसेस को और फिर रेस्पिरेशन को कंप्लीट डिटेल में देखेंगे.